नमस्ते एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस मिठाई जो सब्जी से बनती है, जिसका नाम है परवल की मिठाई। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें परवल लगेंगे, उसे हम पील कर लेंगे, छिलके को अच्छी तरह से निकाल लेंगे हम, फिर इसे धोकर साफ़ कर लेंगे। परवल को हमने अच्छे से पील कर लिया है, अब इसके एजेस भी हमें काटना है। उसके बाद हम इसमें एक लॉन्ग स्लिट देंगे। लॉन्ग स्लिट देकर अंदर का पूरा पल्प हमें निकालना है। ध्यान दीजिए, बहुत हार्ड नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर बहुत ही टाइटली आप करेंगे तो परवल फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्लोली और जेंटली करिए, और अंदर का पूरा जितना भी पल्प है, आप चक्कू की हेल्प से या स्पून के जो बैक साइड होता है उसकी हेल्प से आप सारा पल्प निकाल कर रख लीजिए। ये एकदम देसी और ट्रेडिशनल मिठाई है जो अक्सर उत्तर प्रदेश या बिहार के रीजन में आपको मिल जाएगी। अगर आपने रेसिपी बनाया है तो ज़रूर मुझे टैग करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है ये रेसिपी। तो अब यहाँ पर हम सारे जो पल्प है निकाल रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे से, जेंटली ये काम करना है। बहुत हार्ड हम करेंगे तो ये परवल टूट जाएगा। एक एक करके हमने सारा परवल अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम इसे आगे प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका है ये परवल। तो अब हम एक पतीले में पानी गर्म करेंगे और इस पानी में हम परवल को ऐड करके करीब 5 मिनट ढककर पकाएंगे, ताकि ये परवल अपने आप में सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे परवल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी और इसका एक्सेस वाटर जो है, पानी जो है, वो हमें पूरी तरह से निकालना है। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। तो अच्छी तरह से आप कोई छलनी या स्ट्रेनर में ही इसे रखिए। अब एक पतीला लेंगे, उसमें हम 1 कप शक्कर लेंगे, 1 कप पानी लेंगे, उसे अच्छे से मेल्ट करेंगे, बॉईल करेंगे और मेल्ट करेंगे। फिर इसमें हम परवल को ऐड करेंगे और करीब 2 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। पहले हम खुला पकाएंगे, फिर गैस ऑफ करके ढककर परवल को उसी में हम छोड़ देंगे, ताकि जो चाशनी की जो मिठास है वो पूरा परवल अब्जर्व कर ले। परवल में अपना कोई स्वाद नहीं होता है, तो इसलिए मिठास लाने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे परवल को चाशनी के पानी में छोड़कर थोड़ी देर पहले पकाएंगे, फिर 2 मिनट गैस ऑफ करके चाशनी के पानी में हम परवल को ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो चाशनी की जो मिठास है वो परवल में पूरी तरह से घुल जाए। परवल का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है ना, वो मीठा तो होता नहीं है, तो मिठास लाने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
करीब 2 मिनट के बाद हमें परवल को अच्छे से स्ट्रेन करके निकालना है। इसमें बिल्कुल भी चाशनी नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। खोवा स्टफ़ करने से पहले आप इसे 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दीजिए ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर चलिए हम इसका स्टफिंग अब तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें एक बाउल में लेना होगा खोवा। हम यहाँ पे खोवा लेंगे, मैंने यहाँ पे होममेड खोवा लिया हुआ है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं यूज़ करिए, या घर में दूध पड़ा है तो उसका खोवा बनाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, ये पाउडर्ड शुगर है, सिंपल जो नॉर्मल हमारी जो शुगर होती है उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये वो है। स्वाद अनुसार शुगर लीजिए आप, मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून लिया हुआ है शक्कर, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। ड्राई फ्रूट पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर बस काजू बादाम है, आपको जो ड्राई फ्रूट पाउडर पसंद है वो आप यूज़ करिए और स्वाद अनुसार वो भी इसमें ऐड करिए, नहीं चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। अब चलिए हम अपने परवल को अच्छी तरह से स्टफ़ करते हैं। ये है हमारा परवल, बिल्कुल चाशनी में डूब कर एकदम मीठा हो चुका है। अब इसमें हम ये खोवा का जो स्टफिंग हमने बनाया है वो स्टफ़ करते हैं। अच्छी तरह से आपको इसको स्टफ़ कर देना है, बिल्कुल आराम से जेंटली ये काम करना है। एक एक करके यहाँ पर मैंने सारे परवल को अच्छी तरह से एक खोवे से स्टफ़ कर लिया है। अब इसे हम गार्निश करेंगे कोई भी ड्राई फ्रूट के पीस से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पर बादाम यूज़ कर रही हूँ, है ना, ये बिल्कुल सिंपल और इजी मिठाई, एकदम देसी और ट्रेडिशनल। इसे बाज़ार से ख़रीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये है परवल को साफ़ करना, वो तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान दे के करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें मैं एक टुकड़ा बादाम का लगा देती हूँ ताकि और दिखने में और अपीलिंग हो, और हम इसकी फिर प्लेटिंग करेंगे। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, अगर आई होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताइए और उनके साथ भी ये चैनल से शेयर करिए। ये मिठाई तो उस बंदे को भी पसंद आएगी जो कभी परवल नहीं खाता था, तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।